जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने एनेक्सी भवन के सभागार में स्वास्थ्य विभाग के सीएचओ के संवेदीकरण कार्यशाला में कहा कि स्वास्थ्य विभाग के सभी योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक को दिलाने में सीएचओ की बहुत बड़ी भूमिका है। सीएचओ अच्छा कार्य करेंगे तो उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा और खराब कार्य करने वालों को दंडित भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर आयोजित होने वाले वीजीएनडी चौपाल आदि अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें और गांव में जाकर स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ ही उनकी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद भी करें। उन्होंने कहा कि सभी सीएचओ जनपद में चिन्हित सैम मैम बच्चों की लिस्ट लेकर उनके परिजनों को योजनाओं का लाभ दिलाकर उन्हें कुपोषण से मुक्त करने में मदद करें। उन्होंने सही कार्य न करने पर डीसीपीएम बीसीपीएम को नोटिस भी जारी करने का निर्देश दिया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि जनपद के 204 कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हैं, उनके डॉक्टर के साथ बैठक की गई है। विभिन्न योजनाओं में उनकी भूमिका है उस पर चर्चा की गई है। इसके अलावा संचारी रोग अभियान में आयुष्मान योजना में टीकाकरण में उनको योगदान देना है, उसका लक्ष्य निर्धारित किया गया और सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई। कार्यशाला में सभी सीएचओ को एचबीएनसी फाइलेरिया टीवी सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, आयुष्मान भी है ना जी, आयुष्मान में इतना बड़ा अभियान चल रहा है 3 साल से। पेपर पढ़ते हो उसमें तो आयुष्मान का बार बार आता है कि मैं अपील कर रहे हैं, पूरी खैरात लगी हुई है तो कुछ करते हैं नहीं। गांव में आओ भाई, रोल प्ले करके दिखाओ ना, रोल प्ले करके दिखाओ, मुझे मत देखो उधर देखो। पेपर करते हैं आगे आयुष्मान योजना के बारे में बोलो, गोल्डन कार्ड के बारे में बताइए। गोल्डन कार्ड तुम लोग क्या करते हो क्यों भाई? आयुष्मान जिस डिपार्टमेंट से नमक खा रहे हो उस डिपार्टमेंट का कुछ करोगे नहीं क्या? 3 गांव में इंसिडेंट हुई और इमरजेंसी का परसेंटेज क्या वो तुम्हारा बहुत काम है ना? सारा क्लियर इसे क्लियर टू एवरीबॉडी। आप लोग यंग हो नए हो, कम से कम बताया करिए लोगों को, इन लोगों को सारे प्रोग्राम के बारे में बताया करिए। क्या बहुत संदिग्ध है और संदेहास्पद है कि कोई फील्ड में नहीं जा रहा लगता है, कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं है। None of you will be giving your contacts in this is a institutional deliveries और immunization का HMIS पोर्टल में क्या फिगर दिख रहा है उसको देखेंगे। उसमें MIC अपने लेवल पे आशा और ANM का रिमेटिंग लेते हैं, लेकिन आप उसके नीचे जो आपका क्लस्टर है उसमें ANM आशा को डेटा अद्यावधिक करने के लिए हैंड होल्डिंग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सपोर्टिव सुपरविजन करेंगे और उनको मनोबल ऊंचा रख पाएंगे, उनको कम्युनिटी के साथ जोड़ेंगे। तीसरा, अगले 1 महीने के भीतर सभी प्रधान, सभी सेक्रेटरी, सभी लेखपाल, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, आशा, ANM, आंगनवाड़ी सबके साथ आपका परिचय, समन्वय और आपसी आत्मीय रिश्ता बन जाना चाहिए। रिश्तों से उपलब्धियां मिलती है, एक कम्युनिटी वर्कर को रिश्ता बनाना चाहिए, ये स्कीम की आत्मा वही है। आज हमारे जनपद के जो 204 कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं उनके डॉक्टर के साथ हमारी बैठक हुई थी। विभिन्न योजनाओं में उनकी जो भूमिका है उसके बारे में उनका क्षमता वृद्धि कराया गया और साथ ही साथ अगले 1 महीने में जो उनको संचारी रोग अभियान में, आयुष्मान योजना में, संस्थागत प्रसव नियमित टीकाकरण में जो उनको योगदान देना है उसके बारे में उनको लक्ष्य निर्धारित किया गया, उसका अनुश्रवण किया जाएगा। DCPM BCPM की भी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी और अच्छे परिणामों के लिए काम करने के लिए उनको प्रेरित किया गया।